नमस्कार मित्रों, बच्चों कल तक अपना जो लास्ट टॉपिक था कूलाम का नियम और कूलाम के नियम से रिलेटेड है ना, जो भी न्यूमेरिकल थे वो अपन ने कल तक खत्म कर दिया, यानी पिछले एपिसोड में खत्म कर दिए। आज हम नेक्स्ट और नेट, ये कल तक का टॉपिक था जो मैंने आपको रिवाइंड करवा दिया, ये लास्ट में न्यूमेरिकल कराया था, है ना। अब बच्चों आज से नया टॉपिक, या आज नया टॉपिक, चैप्टर चेंज नहीं, वही चैप्टर चल रहा है। नया टॉपिक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, थोड़ा सा यहां से आपको कंसंट्रेट होना है, थोड़ा सा बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस चैप्टर का मेन मोटिव यानी मेन उद्देश्य ही विद्युत क्षेत्र पढ़ाना है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि किसी भी चैप्टर को अपन ओपन करते हैं उस चैप्टर में 25, 30, 35, 50 टॉपिक हो सकते होते हैं, है ना, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ 5 या 10 टॉपिक होते हैं। उन 5 या 10 टॉपिक के लिए हमें 25-30 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। तो किसी भी चैप्टर को हम खोलेंगे तो भूमिका में कई सारे टॉपिक आएंगे, लेकिन आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा महत्वपूर्ण है जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सब मैंने आपको ये बताया कि चैप्टर वास्तव में अगर देखें तो यहां से प्रारंभ होता है। इससे पहले तक हम आवेश व उससे संदर्भ में विशेष बातें कर रहे थे, उसमें लास्ट में अपन ने कूलाम का नियम जो आवेशों के मध्य बल को दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र है ना। कोई भी आवेश है, आप स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए मैं जो भी बात करूंगा किसकी करूंगा, स्थिर आवेश की। ये सब आवेश है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये आवेश स्थिर मान के चले, आप ये स्थिर रहे। ये आवेशित निकाय है ना, के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। शॉर्ट में बोले तो आवेश द्वारा निर्मित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अंतिम लाइन को ध्यान से सुने, विद्युत क्षेत्र आवेश का मूलभूत गुण है। मतलब आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा ही। इसका विलोम विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब आवेश होना ही है या होगा ही। ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं रोज आपकी क्लास में एक पर्टिकुलर स्मेल वाला परफ्यूम यूज करके आता हूं रोज 5 दिन 10 दिन। अब आप उस परफ्यूम से फेमिलियर हो चुके हैं कि साहब नीरज सर आते हैं तो इस परफ्यूम का स्मेल आता है, ठीक है सर। तो एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं ना आऊं और वो स्मेल आपके सामने आ जाए तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नीरज सक्सेना क्लास में आ चुका है, है ना। तो वो स्मेल या वो परफ्यूम की स्मेल मेरे आगे आगे चलती है तो वो क्या हुआ, नीरज सक्सेना का क्षेत्र हो गया, है ना। तो उसी हिसाब से समझ लो, है ना। अब सर ये मैंने एक आवेश रख दिया, ये कहां तक प्रभाव रखता है इसको कैसे जाने। तो सब इसको जानने के लिए हमें एक टेस्टर मतलब टेस्ट चार्ज, हिंदी में कहें तो परीक्षण आवेश का उपयोग करना पड़ता है, है ना। स्वयं आवेश अपने क्षेत्र की सीमा को नहीं बताता। आवेश का प्रभाव कहां तक है यानी क्षेत्र कहां तक है, यह जानने के लिए हमें किसी अन्य आवेश की आवश्यकता पड़ती है। वो अन्य आवेश कोई सा भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे तो हमें पता पड़ जाएगा कि इसका मतलब हम किसी आवेश के क्षेत्र में आ चुके हैं। इसे समझो बच्चों, इसको सरलता से समझाएं, यह मैग्नेट है, ठीक है सर। अब इस मैग्नेट का प्रभाव कहां तक है तो ये मैग्नेट तो नहीं बताएगा, उसके लिए आपने
आल्पिन ली। सपोज ये आल्पिन इस मैग्नेट से प्रभावित नहीं हो रही है तो इसका मतलब इस मैग्नेट का प्रभाव वहां तक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इस आल्पिन को समीप लाने लगेंगे, ये स्थान ऐसा आया जहां आल्पिन एकदम अट्रैक्ट होकर किसकी तरफ चली गई, मैग्नेट की। यहां तक तो इस आल्पिन पर कोई बल नहीं था, लेकिन यहां लाते ही यह आल्पिन किसके प्रभाव में आई थी, मैग्नेट के। तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, है ना। इसका मतलब इस चुंबक का प्रभाव यहां तक है। अब इसके चारों तरफ अपन ने स्फीयर बना लिया, गोला बना लिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये आवेश स्वयं अपने क्षेत्र की घोषणा नहीं करता है, ये नहीं बताता है कि मैं मेरा विस्तार कहां तक है। इसके लिए आपको एक सहायक व नगण्य आवेश चाहिए। उस सहायक और नगण्य आवेश को अपन क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। एक बात विशेष ध्यान रखना, परीक्षण आवेश का की और कोई भूमिका नहीं है। परीक्षण आवेश की भूमिका मात्र इतनी सी है कि वो आपको बता देगा कि क्षेत्र की सीमा, इस स्थिर आवेश के क्षेत्र की सीमा कहां तक है। कैसे सर, जैसे मान लो मैंने परीक्षण आवेश वहां रख रखा है, वो इस स्थिर आवेश से प्रभावित नहीं है, है ना। तो साहब मैं उस परीक्षण आवेश को पास लाने लगता हूं और यहां लाते ही परीक्षण आवेश क्यू जीरो बल अनुभव करता है। मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। अगर स्रोत आवेश यानी कैपिटल क्यू नेगेटिव हो तो आकर्षण बल अनुभव करेगा। लेकिन यहां आते ही ये परीक्षण आवेश इस स्थिर आवेश के कारण बल का अनुभव करने लग गया। तो इसका मतलब इस स्थिर आवेश का प्रभाव उसके समान दूरी पर एक गोले द्वारा हम दर्शा देंगे कि साहब इस स्थिर आवेश का प्रभाव यहां तक है। इसी को क्या कहेंगे, इस स्थिर आवेश कैपिटल क्यू का विद्युत क्षेत्र। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्यू जीरो की कोई और भूमिका नहीं है, क्यू जीरो का क्षेत्र नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं स्थिर आवेश। वैसे भी ऐसे समझ लो अपन स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो बात भी स्थिर आवेश की करेंगे, तो इस स्थिर आवेश का क्षेत्र बोल रहा हूं। क्यू जीरो की कोई भूमिका नहीं है, जैसे कि यहां चुंबकीय क्षेत्र बताने में इस आल्पिन की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है सर। तो सर इसीलिए मैंने परिभाषा में कहा आवेश या आवेशित निकाय है। ये मैं स्थिर के लिए कह रहा हूं, मैं बार बार आपको ध्यान, क्यू जीरो का कहीं से कहीं तक कोई भूमिका नहीं है, वो टेस्टर है ना सर। तो सर किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसका, स्थिर आवेश का। विद्युत क्षेत्र आवेश का मूलभूत गुण है, मतलब आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा ही। इसका विलोम भी सत्य है, विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब आवेश होगा ही, ठीक है। तो ये तो साहब अपन ने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दी। अब आप दोनों बातें को ध्यान रखना, है ना। अब आ जी जैसे जैसे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते जाए, अब आ जाइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। कैपिटल ई से इसे दर्शाते हैं, सदिश राशि है, पूरा परिचय भी आपके द्वारा समझाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सामान्यतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र ही बोलते हैं। लेकिन अब एक फॉर्मूला आपके सामने डेवलप होने जा रहा है, यहां से आपको अलर्ट होना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गए, लेकिन देखो इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, समझो आप।
बिंदु आवेश, ये आवेशित निकाय है। ध्यान से सुनना मेरे, विद्युत द्विध्रुव, आवेशित गोला, चित्र बना के बताया था, आवेशित परत, सुनना ध्यान से ना, आवेशित पट्टिका, ये सब आवेशित निकाय। यहां से मोटिव चलेगा, चैप्टर यहीं से डिसाइड होगा। आवेशित तार, रेखीय आवेश भी कहते हैं, आवेश के बहुत सारे निकाय हैं, ठीक है सर। बिंदु आवेश भी एक आवेश का निकाय है, सिस्टम है। दीदु भी, आवेशित गोला भी, परत भी, प्लेट भी, और तार भी, और भी, ठीक है सर। अब दिखने में तो सभी आवेशित निकाय हैं, तो क्या सबका प्रभाव एक जैसा है? यह चैप्टर आपको यही समझाता है, इन सबका प्रभाव एक जैसा नहीं है। यह चैप्टर है, इसी को कहते हैं स्थिर विद्युत। अब इन सबका प्रभाव एक जैसा नहीं है, सिद्ध करो। तो सिद्ध किसके द्वारा करेंगे? विद्युत क्षेत्र के द्वारा करेंगे। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी, विद्युत द्विध्रुव के कारण निकाली जाएगी, गोले के कारण, परत के कारण, पट्टिका के कारण, तार के कारण। जब इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, जैसे मान लो बिंदु आवेश के कारण सपोज निकली K^r², लेकिन द्विध्रुव की अक्ष पर निकली 2Kp/r³। अब बताओ क्या बिंदु आवेश और द्विध्रुव एक ही है? नहीं, बिंदु आवेश और द्विध्रुव एक ही निकाय नहीं है, क्योंकि दोनों के कारण डिफरेंस किसका है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानकर आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ये सब निकाय आवेशित तो हैं, लेकिन इनमें अंतर है, सब एक नहीं है। उस अंतर को किसके स्पष्ट करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो कहने का मेरा मतलब है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये अब आवेशित निकायों में अंतर स्पष्ट करेगा, ठीक है सर। तो चलो साहब, अब एक बार के लिए मैं पेज चेंज करके और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दोबारा लेके और उस पर कंसंट्रेट हो जाता हूं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर, कैपिटल ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे से मैं समझो, ज्यादा उसको परेशान ना हो। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये स्थिर आवेश है और इसी के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं अपन, तो इसको मैं स्रोत आवेश भी बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो क्षेत्र इसी का दिखाने जा रहा हूं। ये इसके चारों ओर का क्षेत्र है जो मैंने एक गोले से दर्शा दिया। इस क्षेत्र का पता आपको किससे लगा? परीक्षण यानी टेस्ट चार्ज से। परीक्षण आवेश बिना तो आपको क्षेत्र का पता लग ही नहीं सकता, ठीक है सर। तो साहब आपको इसका पता लगा परीक्षण। अब मेरा आपसे सिंपल सा प्रश्न है कि इस स्रोत आवेश कैपिटल क्यू कि स्ट्रेंथ, क्षमता, ताकत, इसका प्रभाव क्या सब जगह एक जैसा है? कुछ बिंदुओं को अपन चुनते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। प्रभाव बताने के लिए हम फिलहाल किसका इस्तेमाल करेंगे? कूलाम के नियम का। तो कूलाम के नियम के अनुसार आवेशों का गुणनफल, और आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। तो साहब कैपिटल क्यू का प्रभाव आपको बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी पर देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन चर्चा करें बिंदु ए की, है ना।
बिंदु ए की चर्चा कर पेन चेंज करके थोड़ा सा समझाता हूं। आप सबसे पहले क्यू जीरो को यहां लाओ। इस समय अगर आप देखें तो क्यू जीरो की क्यू से दूरी अधिक है, आर अधिक है तो बल कम होगा, यानी कैपिटल क्यू का प्रभाव बिंदु ए पर कम है। फिर आप क्यू जीरो को पास में लाओ, क्लियर? क्यू जीरो को जैसे जैसे कैपिटल क्यू के पास लाते हो दूरी कम होती है और प्रभाव यानी एफ बढ़ता जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि स्रोत आवेश कैपिटल क्यू का अपने ही क्षेत्र में हर बिंदु पर प्रभाव एक जैसा नहीं होता, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है सर, ये तो कंफर्म हो गया, आर का तो अर्थ मैंने आपको समझा दिया। अब देखें सर, आप तीव्रता किसके कारण निकाल रहे हैं या तीव्रता किसकी निकाल रहे हैं? आप तीव्रता निकाल रहे हैं स्रोत आवेश की। तो सब इसमें प्रभाव तो क्यू जीरो का भी शामिल हो गया, जबकि आपको तो तीव्रता किसकी निकालनी है, कैपिटल क्यू की ही निकालनी है, तो उसमें तो फिर क्यू जीरो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्यू जीरो को आप जीरो कर नहीं सकते, अगर क्यू जीरो को जीरो कर दोगे तो प्रभाव दिखेगा ही नहीं। तो ये तो आपकी मजबूरी है कि प्रभाव दिखाने के लिए आपको परीक्षण आवेश तो लाना पड़ेगा। क्लियर सर? यहां तो आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको प्रभाव दिखाने के लिए परीक्षण आवेश तो लाना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन इस परीक्षण आवेश के होने से तीव्रता में इस क्यू जीरो का प्रभाव भी शामिल हो जाता है। क्यू जीरो को हम जीरो कर नहीं सकते, तो फिर क्यू जीरो को क्या करें कि वो हट जाए? तो क्यू जीरो का मान देखा प्लस वन रखो, तो फिर देखो प्रभाव यानी बल के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बल का कारण केवल कौन है, है ना? अब बल का कारण केवल कैपिटल क्यू है, क्लियर सर? और हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके निकालना चाहते हैं? स्रोत आवेश यानी कैपिटल क्यू की। तो साहब उसके लिए हमें परीक्षण आवेश का मान कितना रखना जरूरी है? प्लस वन। क्लियर सर? तो साहब अब अपन कह सकते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको बल किस पर देखना पड़ेगा? एकांक धनावेश। अगर परीक्षण आवेश या सॉरी स्रोत आवेश कैपिटल क्यू के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर बल कैपिटल एफ है, तो एकांक धनावेश पर बल कितना हुआ? एफ अपॉन क्यू जीरो, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर सर? इसमें थोड़ा सा संशोधन मांगा गया है। थोड़ा सा संशोधन क्या मांगा गया है कि यहां पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो अति अल्प होना चाहिए। परीक्षण आवेश क्यू जीरो अति अल्प इसलिए होना चाहिए कि अगर वह प्रभावशाली हुआ तो वो अपना क्षेत्र व्यक्त करने लग जाएगा, जबकि हम केवल किसके क्षेत्र की बात कर रहे हैं? स्रोत व स्थिर आवेश की क्षेत्र की। तो सब क्यू जीरो जो परीक्षण भाई, जैसे मान लीजिए हम तो इसके क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, अगर मान लो ये पावरफुल हुआ तो ये अपने क्षेत्र को क्या करने लग जाएगा? व्यक्त करने लग जाएगा, है ना? तो इसलिए हमें क्यू जीरो का मान क्या रखना है? नगण्य रखना है। तो सर अतः
अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सही सही परिभाषा लिखें तो लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू जीरो। इसमें साफ बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहां पर क्यू जीरो का मान अत्यल्प होना चाहिए ताकि मूल विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं हो, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सही और एक्यूरेट फॉर्मूला माना जाएगा। इससे आपकी परिभाषा भी संतुष्ट हो जाती है। जैसे यदि क्यू जीरो बराबर प्लस वन, ये जो मैंने दिखाया था, तो ई बराबर एफ, यानी एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये तो बच्चों हुई डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अभी डेफिनेशन है, उसका भी एक सूत्र डेवलप किया है, अभी कैलकुलेशन नहीं की है, अभी तो बस परिभाषाएं वगैरह का दौर चल रहा है। अब साहब इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी एकदम तो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने लाया नहीं जाएगा, या यूं कहते हैं आएगा नहीं, उसको तो टाइम लगेगा। बट अब जिसको मैं कह रहा हूं कि उसी की वजह से ये चैप्टर है, तो फिर आप समझ सकते हो कि हमें उसके संदर्भ में छोटी छोटी बारीकियां जान लेनी चाहिए, है ना। पहली बात, छोटी छोटी बातों में ये मैंने आपको दिखा भी दिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु फलन राशि है, अर्थात बिंदु की स्थिति बदलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसका मान भिन्न भिन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु फलन राशि है जिसका मान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। अब दूसरी बात, है ना, दूसरी बात सर, इसका मात्रक देख ले, तो मात्रक तो आप किससे बता दोगे, E बराबर एफ अपॉन क्यू से। तो ये मात्रक हो गया इसका न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक। न्यूटन प्रति कूलाम को दूसरे रूप में आप वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हो, ये दिखा देता हूं तुलना, क्योंकि वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट का मतलब जूल प्रति कूलाम, या वोल्ट किसे कहते हैं, जूल प्रति कूलाम को, तो वोल्ट यानी जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर, जूल मतलब न्यूटन इंटू मीटर, कूलाम को नीचे भेज दिया, मीटर से मीटर कट गया, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो वोल्ट प्रति मीटर भी आप इसका मात्रक कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं, या आपकी चॉइस है। दो मात्रक दिखते हैं, एक किसी को भी याद रखो, विमा निकाल लो इससे, यहीं से बल की विमा m1 l1 t माइनस टू, कूलाम की यानी आवेश की a1 t1। तो सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा कितनी होगी, m1 l1 t माइनस थ्री a माइनस वन, ये विमा होगी सब। सामान्य बातों में ये करना ही पड़ता है अपने को। अब अगली बात, तीसरी बात, तीसरी बात में ध्यान रखें, क्योंकि विद्युत बल संरक्षी बल है, क्योंकि केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल सदैव संरक्षी होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र भी संरक्षी क्षेत्र है, जिसमें आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी जैसे मैं आपको पिछला दिखाऊं या पिछले से आई, अगर मैं इसको सीधी सरल रेखा में चलाकर न लाऊं, मैं अगर घुमा फिरा के भी लाऊं, तो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र। वापस कंटिन्यू आ जाओ सब, अगली बात, है ना। तो एक बात, दो बात, तीन बात, अब चौथी बात चल रही है ना। चौथी बात इसके संदर्भ में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब इसकी दिशा का विशेष ध्यान रखना, सबके अपने अपने टेक्निक तरीके हो सकते हैं। मैं आपको ये बार बार कई बार एपिसोड में बोलूंगा कि बुक्स हैं,
टीचर उनको पढ़ते हैं। अलग अलग बुक्स में आइडियाज अलग अलग होते हैं, टीचर सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर टीचर एक व्यू डिसाइड करता है कि ठीक है साहब ये तो अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन बच्चा कैसे समझे। तो टीचर का एक अपना व्यू होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा समझाने का सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। कोई तो बुक की कॉपी करवा देता है, कोई चाहता है कि जब मुझे समझ में नहीं आ रही तो पहले मैं समझूं फिर बच्चे को समझूं, फिर वो बच्चे को जब समझाने लगता है तो फिर वो उसका बहुत इजी तरीका बना देता है। ऐसा ही मैंने देखा। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है या दिशा की ज्ञात दिशा ज्ञात करनी है, गणना के लिए तो सूत्र बना दिया ना, दिशा ज्ञात करनी है तो आप प्रेक्षण बिंदु पर प्लस वन रखें या क्यू जीरो रखें। प्रेक्षण बिंदु पर रखें प्लस वन या क्यू जीरो पर जो बल की दिशा होगी वही बस विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब इसको पूरा वापस बोलूं मैं, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा परीक्षण या प्रेक्षण बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश या क्यू जीरो पर बल की दिशा में होती है। बिल्कुल सिंपल, आपके शब्द समझने लायक, आपको दिशा देखनी हो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, अभी मैं रख के दिखा दूं, प्रेक्षण बिंदु पर आप या तो प्लस वन रख देना या क्यू जीरो रख देना, जिधर बल लग रहा हो बस वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होगी। मैं भी दिखाऊंगा, मेरे को भी कैलकुलेशन। चार बातें मैंने आपको बता दी, अब बात नंबर पांच। पांचवी बात महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? आपको बिंदु आवेशों के मध्य बल निकालना है तो आप कूलाम के नियम का इस्तेमाल करेंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आपको आवेशित तार के कारण बल निकालना है बिंदु पी पर, आपको परत के कारण बल निकालना है बिंदु पी पर, आपको पट्टिका के कारण बल निकालना है बिंदु पी पर, आवेशित पट्टिका के कारण है। तो अब आपके पास क्या जुगाड़ है, कैसे निकालोगे? बिंदु आवेशों के मध्य बल तो किससे निकाल दोगे आप? कूलाम के नियम से। लेकिन तार के कारण बिंदु पी पर रखे आवेश पर बल निकालो, परत के कारण बिंदु पी पर रखे आवेश पर बल निकालो, पट्टिका के कारण बिंदु पी पर रखे आवेश पर बल निकालो, तो आप किससे निकालोगे? फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अब हमारा ये कार्य कंप्लीट हो चुका है। देखो सर, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F अपॉन Q जीरो, तो विद्युत क्षेत्र के कारण या विद्युत क्षेत्र कैपिटल E के कारण Q जीरो पर बल मतलब विद्युत बल कितना? F इज इक्वल टू Q जीरो E। दोबारा ध्यान से समझना, विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश Q0 की जगह Q भी हो सकता है, आप Q0 के ज्यादा पीछे भी ना पड़े ना। विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में स्थित आवेश Q0 पर क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F अपॉन Q0, तो विद्युत क्षेत्र E में, मैं कोशिश कर रहा हूं कोई बात विशेष कहने की, विद्युत क्षेत्र ई में किसी आवेश क्यू पर, क्यू जीरो को छोड़ो, बल, तो भैया इसके कारण क्षेत्र अलग है, वही पढ़ने निकले, इसके कारण क्षेत्र अलग है, इसके कारण क्षेत्र अलग है और बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र अलग है। तो अलग अलग क्षेत्र में आवेश के ऊपर बल अलग अलग होगा। इसका मतलब आवेशित निकायों के बीच का अंतर
या आवेशित निकायों के बीच की बारीकी हम बल से भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये बात वैज्ञानिकों के सामने भी आई कि आवेशित निकायों का अंतर बताने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों पढ़ाई जावे, बल से ही पढ़ा दें। फिर जब दोनों का अध्ययन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा आवेशित निकायों को या आवेशित निकायों के मध्य अंतर दिखाना बल के तुलना में ज्यादा सरल होगा, इसलिए फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी जाती। तो सब क्यू जीरो आवेश क्षेत्र तो परत के क्षेत्र में आ गया तो बल अलग, तार के क्षेत्र में आ गया तो बल अलग, पट्टिका के क्षेत्र में आ गया तो बल अलग। क्यों पर बल है पर क्षेत्र अलग अलग है, इससे ध्यान रखना कि इस क्यू पर ये तो कोई भी हो सकता है पर ये अलग अलग के कारण अलग अलग है। अब मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपसे कभी भी विद्युत बल पूछूं तो आप कूलाम के नियम से परहेज करें, आप मुझे क्या बोलें, एफ बराबर क्यू ई, मैं इसे ही विद्युत बल मानता हूं। मैं हालांकि कह रहा हूं बिंदु आवेश के लिए ये तो है ही, बिंदु आवेश के लिए आपका एक और ऑप्शन है वो कूलाम का नियम है, पर कूलाम के नियम का वेटेज ज्यादा तो नहीं है, वो पर्टिकुलर बिंदु आवेश के लिए ही काम करेगा। बाकी सभी निकायों के कारण बल का फॉर्मूला कौन है, ये रहा। अब सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संदर्भ में दिशा वगैरह की बात हो चुकी, संरक्षी असंरक्षी का हो चुका, मात्रक की बात हो चुकी, बिंदु फलन राशि अलग अलग बिंदु पर इसका मान अलग अलग होता वगैरह हो चुका। अब एक छोटी सी बात और सुन लें, ये बात अभी कही जाएगी, इसका विवरण अगले चैप्टर में भी आएगा, यानी इसको स्पष्ट तो अगले चैप्टर में कहा जाए। अगली और लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आवेश के चारों ओर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न है तो उसे असमान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। जैसे अभी अपन ने पिछले टॉपिक में बात की है ना कि सब ए पर क्षेत्र अलग है, बी पर अलग है, सी पर अलग है, तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे आप, असमान विद्युत क्षेत्र। क्लियर सर? लेकिन यदि आवेश के चारों ओर सभी बिंदुओं पर क्षेत्र एक समान हो तो उसे कहेंगे समान विद्युत क्षेत्र। ये मैं थोड़ा अगला पेज ले लूं क्योंकि थोड़ी सी बात कहीं काम आ जाएगी। समान विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र कुछ चुनिंदा तरीकों से ही पैदा किए जा सकते हैं, हर तरीके से विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं आता। तो मैं आपके सामने एक मॉडल प्रस्तुत कर देता हूं समान विद्युत क्षेत्र का। अगर आपको एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो ये मैंने चालक प्लेटें ली जिनके बीच की दूरी डी है, इन प्लेटों को समान मान लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश दे दे, प्रदान कर दे, जैसे मैंने कर दिया है ना। स्वाभाविक है ये प्लस कैपिटल क्यू, ये माइनस कैपिटल क्यू। जब इन प्लेटों को जो समांतर थी इन पर समान मात्रा का विपरीत आवेश प्रदान कर देते हैं तो प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे अपन मान लें कैपिटल क्यू। इस स्थिति में प्लेटों के मध्य प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, अर्थात ये जो सिस्टम आपको मैंने चित्र में दिखा रखा है ये सिस्टम एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र का मान ध्यान रखना पड़ेगा ई बराबर वी अपॉन टी होता है। अभी मैं इस पर डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी अगला चैप्टर यानी विद्युत विभव नहीं पढ़ा, अभी अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज स्वतः समझ जाएंगे।
नहीं समझेंगे तो उस समय में याद से आपको समझा दूंगा। क्लियर सर? तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन इसके बाद कैलकुलेशन पर आते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो क्या था? विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में ना, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वह विद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी, जो अपन ने लिखी समझाई विद्युत क्षेत्र का अर्थ था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी या तथ्य थे। अब हमारा काम है आवेशित निकायों के बीच अंतर स्पष्ट करना। आवेशित निकायों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाया है। अब हम हर आवेशित निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने जा रहे हैं। उस क्रम में पहली कैलकुलेशन अब आपके सामने की जाएगी, है ना? तो आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि मैं विद्युत क्षेत्र की पहली गणना करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब आप थोड़ा सतर्क रहें। निकाय आते रहेंगे, फिर ले देकर अपना काम होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो निकाय आपके सामने इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, नए नए निकाय, और साथ के साथ निकाय का इंट्रोडक्शन कर चुकने के बाद फिर अपने को अंत में उसके कारण तीव्रता की गणना करनी है। ये अपना मोटिव। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में ले लें नंबर वन बिंदु आवेश। सबसे इजी, पर चालू तो करना पड़ेगा, टॉपिक तो इजी से ही चालू होते हैं। बिंदु आवेश के कारण, है ना? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है सर, कोई आपको स्पेशल काम नहीं करना, सिंपल। ये आपने बिंदु आवेश कैपिटल क्यू रख दिया है ना, जिसके कारण तीव्रता की गणना कर रहे हो वह ध्यान रखें स्थिर है। आप स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, ये ना भूलें, है ना? कहां पर करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना? तो ये बिंदु P प्रेक्षण बिंदु है, कितनी दूरी पर? R दूरी। इस जगह पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है बिंदु P पर। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसकी दिशा जानने के लिए प्रेक्षण बिंदु पर प्लस वन रखेंगे या क्यू जीरो रखेंगे। ये मैंने साहब यहां पर क्यू जीरो रख दिया, आप प्लस वन भी रख सकते हैं उसमें। अब ये सब आपके काम है, कुछ कार्य आपको भी करने रहते हैं तो आप भी उस पर ध्यान दें, है ना? अब देखो क्यू जीरो पर जिधर बल होगा बस वही किसकी दिशा? विद्युत क्षेत्र। तो ये क्यू जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी पॉजिटिव। तो परीक्षण अभी धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है ना? तो धन और धन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण की दिशा मैंने एरो से दर्शा दी, तीर से दर्शा दी, तो इधर बल लगेगा कैपिटल क्यू के कारण क्यू जीरो पर बल की दिशा, और जिधर बल की दिशा है वही किसकी दिशा मानी जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, है ना? तो सब जिधर मैंने बल दिखाया था आपको, है ना, स्लाइड को वापस लाते हैं अपन, जिधर बल दिखाया वही विद्युत क्षेत्र की थी। एक बार इस पर मैं थोड़ा सा वापस बोल दूं ताकि फिर दिशा का कभी चक्कर अपने सामने नहीं पड़े, है ना? दिशा का चक्कर पड़ता फिर लफड़ा पड़ेगा। जब भी आपको दिशा जाननी हो प्रेक्षण बिंदु पर आप परीक्षण आवेश या प्लस वन रख देना, इस पर बल जिधर होगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो
जिसके आगे चिन्ह लगा वो धनात्मक, तो ये इस कैपिटल क्यू जीरो, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू जीरो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जिधर बल की दिशा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, है ना। इस दिशा में एकांक सदिश को अपन आर कैप कहते हैं, क्लियर सब। अब आ जाइए, सब कैलकुलेशन कीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन कीजिए। तो बताइए सब, फॉर्मूला है आपके पास E बराबर लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू जीरो से, है ना। ये अपने पास फॉर्मूला है, इसमें सब एफ पुट कर दीजिए, तो करो सब। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो वन अपॉन क्यू जीरो बल, इसके और इसके मध्य बल बताओ क्यू जीरो, है ना। इन दोनों के मध्य बल कूलाम के नियम से वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, जिनके मध्य बल उन दोनों का गुणा और उन्हीं के बीच की दूरी का वर्ग। दिशा तो मैंने आपको पहले से बता दी, ठीक है। क्यू जीरो से क्यू जीरो कट गया, तो बोलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू जीरो से क्यू जीरो कट गया, तो क्यू जीरो की फिर लिमिट ही क्या करेगी, जब क्यू जीरो व्यंजक ही नहीं रहा तो क्यू जीरो की लिमिट का कोई मतलब है ही नहीं। तो क्यू जीरो की लिमिट हटाओ, क्योंकि पद में क्यू जीरो नहीं रहा। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका परिमाण। उसका परिमाण का तात्पर्य है कि आपको यहां पर जो क्यू जीरो है, सॉरी कैपिटल क्यू है, उसका साइन नहीं लेना। वो प्लस है तो भी कैपिटल क्यू ही लिखना, वो माइनस है तो भी कैपिटल क्यू ही लिखना। उसका परिमाण निकलेगा, क्योंकि हमने कूलाम के नियम, कूलाम का नियम कहता है आवेशों के मध्य बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुपात मान पाते, तो परिमाण है, तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग और आर के, है ना। इतना न उलझे आप। अब अपन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो को सिंपली के लिखना चालू कर दें, तो अपन ऐसे याद रख लें कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। क्यू का मैंने समझाई दिया, क्यू का परिमाण चाहिए। और सिंपली अगर फ्लो में अगर आपसे पूछूं तो आप केवल परिमाण बता दें, आप बोल दें के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सब मेरा काम है समझाना, तीनों बातें एक है। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आदत तो बहुत बेटर मानी जाएगी। लेकिन क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का कंटिन्यूस कैलकुलेशन करना है, नॉन स्टॉप हमें कैलकुलेशन करना है, तो फिर हमें बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कह दिया आप सिंपल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बोल दें, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब इससे संबंधित छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। छोटी छोटी बातों में पहली बात, यदि स्रोत आवेश माइनस कैपिटल क्यू हो तो, अब ये छोटी छोटी बात है ना, तो स्रोत आवेश माइनस कैपिटल क्यू हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती साहब, ई बराबर के आवेश का परिमाण अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब दिशा चेंज हो जाती है, अब क्यू जीरो अट्रैक्ट होता कैपिटल क्यू की तरह। तो पहला जो आपने पुराना चित्र देखा, इसमें तो ये प्रतिकर्षण हुआ, तो इधर मैंने आर केप लिखा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो फिर आकर्षण होगा, तो आर केप के विरुद्ध तो ये क्या हुआ, माइनस आर केप, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सब अगर आवेश प्लस कैपिटल क्यू के बजाय माइनस कैपिटल क्यू होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो वही रहेगा,
लेकिन दिशा चेंज हो जाएगी, मान चेंज होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही रहेगा। चलो सर, ये तो आप समझिए। अब आइंदा से ध्यान रखना कि मैं सारे निकाय को पॉजिटिव दिखाऊंगा, मतलब धनात्मक ही दिखाऊंगा, है ना। जितने भी निकाय आपके सामने दिखाए जाएंगे वो सब धनात्मक होंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि साहब ये सिस्टम ऋणात्मक होता, नेगेटिव होता तो क्या होता, तो नेगेटिव होता तो आप जवाब दे देना, नेगेटिव होता तो मान चेंज नहीं होगा, केवल दिशा चेंज होगी, है ना। अगर निकाय ऋणावेशित हो तो, अब आगे से मैं आपको ये समझाने वाला नहीं हूं, याद रह जाएगी, बोलता रहो। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या क्या देखा, इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल क्यू। आवेश की प्रबलता बढ़ती है तो क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो सब क्षेत्र की तीव्रता आवेश की प्रबलता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात, E is proportional to 1 upon R square। ये बात विशेष है, ये बात इसलिए विशेष है कि सब यदि R बराबर अनंत तो E बराबर जीरो। अब ये बात इसलिए विशेष है कि सब अगर R बराबर अनंत नहीं हो रहा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जीरो नहीं हो रही। इसका मतलब एक अकेला आवेश, जिसे अपन बिंदु आवेश कह रहे हैं, एक अकेले आवेश की तीव्रता कहां तक होती है, अनंत। यानी एक अकेला आवेश अपना क्षेत्र कहां तक रखता है, अनंत, उसकी तीव्रता अनंत पर ही शून्य होगी, उससे पहले नहीं। तो ये विशेष बात आप ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र आवेश की प्रबलता पर निर्भर करता है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परास अनंत है, वो अनंत पे जाके शून्य होता है, अनंत से पहले नहीं। और आपको इंप्रेसिव प्रोग्राम करना है तो आप ग्राफ बनाना ना भूलें, है ना, ई और आर के बीच, है ना। यहां मैं ग्राफ की भी थोड़ी थोड़ी बात रखता जाऊंगा। ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब अपॉन में आप देख रहे हैं आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है तो जिसमें आर का मान 2 रखता हूं तो ई 1/4, आर का मान 4 रखता हूं तो ई 1/16। इसका मतलब आर के संगत ई बहुत तेजी से कम होता है। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, आर के संगत ई बहुत तेजी से कम होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². ये टच नहीं होना चाहिए, टच होते ही तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो। और अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र कहां जीरो होता है, अनंत पर। तो ये दोनों टच नहीं होने चाहिए, यहां पे ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि टच कहां होते हैं, अनंत पर, तो अनंत तो यहां है ही। तो सब ये ग्राफ दर्शाता है कि आर यानी आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तेजी से कमी होती है। अब मैं आपको यहां पे थोड़ी सी बातें समझाऊंगा। अगर मान लो कहीं पर E is proportional to 1/r हो तो भी क्या ग्राफ ऐसा ही होगा, नहीं, तो ग्राफ में अंतर आ जाएगा। फिर तो जैसे जैसे R बढ़ता है वैसे वैसे E कम होता है। अब तेजी से कैसे बोलोगे, यहां तो आपको बोलना पड़ेगा R बढ़ने पर E में तेजी से कमी होती है, लेकिन यहां आप बोलोगे आर बढ़ने से या जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ही कम होगा, तो इसका ग्राफ अलग है। ये ग्राफ है E is proportional to 1/r का। तो सब भले ही कम डिफरेंस हो, देखने वाले हो कई बच्चे तो इसको नहीं पकड़ पाते, हाँ एक बच्चों में भी सही कई कैटेगरी है, जो बच्चा डेप्थ देखे वो समझ जाएगा कि ये अलग है और ये अलग है। तो सब अपना तो खैर ये वाला ग्राफ है जो बिंदु आवेश वाला इज प्रोपोर्शनल ग्राफ, और मैं यहाँ पे ग्राफ पे भी डिस्कस कर रहा हूं। ग्राफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। अब ये देखो
क्वेश्चन है, अलग अलग लेवल पे हो आप तो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये ऐसे अगर पूछ ले आपसे कि ई और वन अपॉन आर स्क्वायर में ग्राफ बताओ, तो ई और वन अपॉन आर स्क्वायर में ग्राफ ये होगा, है ना। फिर तो जैसे जैसे वन अपॉन आर स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे ई बढ़ेगा, क्योंकि ई कंप्लीटली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। जैसे अब जो नीचे वाला ग्राफ खींचा वो थोड़ा कंफ्यूज तो करेगा आपको, लेकिन पूरा व्यंजक लिया तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, तो ई डायरेक्टली वन अपॉन आर स्क्वायर, तो वन अपॉन आर स्क्वायर बढ़ता है तो ई भी बढ़ता है, तो फिर ग्राफ वैसा आएगा, है ना। तो कुल मिला के ये बात हुई पहली कैलकुलेशन की, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, है ना। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली अपन ने, पहला कैलकुलेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, याद रखना पड़ेगा। याद क्या याद रखेंगे, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, क्या क्यों अपॉन आर स्क्वायर। मैं आपको एक एडवाइस करता हूं, इससे याद नहीं रहेगा, आप क्या है जब इस चैप्टर को पढ़ें तो इस चैप्टर का पहला पन्ना आप पहला पन्ना छोड़कर इस चैप्टर को पढ़ें। कैसे, पहला पन्ना खाली छोड़ दें। अब पहले पन्ने पे आपका काम है, हाँ भाई बिंदु आवेश पढ़ा दिया, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो लिख लो। फिर अभी आगे जैसे जैसे पढ़ाते आएंगे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव, स्थितिज ऊर्जा, ये सब आप पहले पन्ने पर, पहला पन्ने पर सार लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे कह रहा हूं कि अभी और भी निकाय पढ़ना है, अभी तो बिंदु आवेश ही पढ़ा है, अलग अलग निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, अलग अलग निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, तो स्वाभाविक रूप से क्या नाम से आप जब अगले से अगले से अगले चैप्टरों की तरफ जाओगे तो ये चैप्टर भूलते जाओगे, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भूल जाओगे। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रहनी चाहिए, और उस याद रहने के लिए आपको पहले पन्ने पर इस चैप्टर को जब चालू करो तो पहले पन्ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को आप लिख लो। क्लियर सर, एक टेबल में मैं सर छोटे से सवाल लेकर ये एपिसोड यहीं स्टॉप करूंगा, ताकि एक कैलकुलेशन है फिर अगली की तैयारी करेंगे। अभी जैसे मान लो आपसे कहता है हीलियम नाभिक के कारण 5 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, एक सिंपल सा सवाल, बस अपन तो फॉर्मूले का उपयोग बता रहे। ये कह रहा है हीलियम नाभिक के कारण 5 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। पहली बात तो इसमें ये समझ लेना कि आपसे बिंदु आवेश प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहेगा, क्लियर, या आपसे बिंदु आवेश ऐसे नहीं बोले, ये बोलेगा हीलियम नाभिक के कारण, तो हीलियम नाभिक कौन है, बिंदु आवेश है। तो कई बार आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ये कौन से सिस्टम के बारे में, और नाभिक बोल रहा है तो आप समझ जाइए बिंदु आवेश। अब के कारण 5 सेंटीमीटर दूर, तो देखो सिंपल E बराबर के, के यानी 9 × 10^9 क्यू। अब यहां पर क्यू के बारे में आप हीलियम नाभिक कह रहे हो, तो हीलियम नाभिक पर आवेश कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, धनात्मक है। हालांकि अपने को धन से कोई लेना देना नहीं, अपने को तो आवेश का परिमाण, तो ये 2 1.6 × 10^-19 कूलाम, यानी 3.2 × 10^-19 कूलाम। क्लियर सर, तो सब के क्यू की जगह रख दीजिए, 3.2 × 10^-19 कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, ये सब मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया, कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, 100 का भाग दो गया, यानी 5 सेंटीमीटर को लिखोगे 5 × 10^-2, तो सब आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही कहता है, आवेश बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कहता है बिंदु आवेश का परिमाण और उससे दूरी बटा उससे दूरी का स्क्वायर। यानी अब इसको सिंपल कर दें, कैलकुलेशन देखो मैं बहुत जल्दी में करूंगा, सही हो नहीं हो, 18 × 1 = 27 और 1 = 28, है ना। पावर ऊपर 10^-19, नीचे ये 5 5 = 25 और ये 10^-4, कैलकुलेशन आप कर ले, क्योंकि हम तो एक फ्लो में करते हैं,
तो जैसी हो जाती है वैसी समझ लाया करो आप, है ना। तो अब ये सब 25 तो एक बार गया, 10.8 38 फिर एक बार गया, 38 तो 13 130 फिर 130 में ये पांच बार गया, ऐसा रफली कैलकुलेशन है। इन दोनों का डिवाइड कर दिया, ये सब 10^-15 न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण हुई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान आपके बिंदु आवेश के कारण या हीलियम नाभिक के कारण है ना। तो बच्चों इस वाला जो एपिसोड है इसमें विद्युत क्षेत्र का इंट्रोडक्शन दिया गया है, कंप्लीट आपको विद्युत क्षेत्र समझा दिया गया है, उसके अलावा एक कैलकुलेशन इनिशियल कर दी। हाँ ये जरूर कहूंगा कि इस एपिसोड में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ये जो एपिसोड है ये आने वाले एपिसोड के लिए मुख्य होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे की कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, तो बस उनको अपन नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। आज इतना ही है ना। थैंक यू वेरी मच।